खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। पर आ गई है, राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है वाले विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में एक नया एफिडेविट जो है हलफनामा दायर किया है। राहुल ने चौकीदार चोर है वाले राजनीतिक नारे को दोहराया है और कहा है कि कोर्ट का नाम लेकर ऐसा कहने के लिए खेद है कहा है, यानी वो रिग्रेट कर रहे हैं लेकिन सॉरी नहीं कहा है, माफी नहीं मांगी है। निपुण सहगल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। निपुण, लबोलुभाव तो वही है जो पिछले हलफनामे में था और इसी पर एतराज मीनाक्षी लेखी ने कोर्ट में जताया था कि खेद प्रकट किया है, माफी नहीं मांगी है। बिल्कुल बिल्कुल रूबिका, दोनों हलफनामों को साथ में रख कर देखें तो ऐसा लगता है जैसे सिर्फ तारीख बदल दी गई है। पिछली बार कोई और तारीख थी हलफनामे की, इस बार कोई और तारीख है। लगभग एक जैसा हलफनामा है, यहाँ तक कि ब्रैकेट में जिस तरह से रिग्रेट लिखा गया था पिछले हलफनामे में, वैसे ही यहाँ भी ब्रैकेट में ही एक जगह पर रिग्रेट शब्द लिखा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि रणनीति क्या है राहुल के वकीलों की। लेकिन हाँ, दर्शकों को मैं ये जानकारी जरूर देना चाहूंगा कि चूंकि कोर्ट ने राफेल मामले के साथ कहा है इसकी सुनवाई करेंगे, राफेल मामले में सरकार ने आज एडजर्नमेंट के लिए कोर्ट से दरख्वास्त की है, तो ऐसे में हो सकता है अगर वो मामले की सुनवाई न हो तो संभव है कि राहुल वाला मामला भी कल सुना न जाए। लेकिन फिलहाल जो लिस्ट है और जो कैलेंडर कोर्ट का तय है उसके हिसाब से कल ही सुनवाई इसकी होनी है। 30 तारीख मुकर्रर की गई थी और इसमें ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि पोस्टपोन करने की बात अगर आगे बढ़ जाती है तो फिर कल इस पर सुनवाई नहीं होगी। लेकिन पिछले हलफनामे में और अभी के हलफनामे में सिर्फ तारीख बदली दिखाई दे रही है। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं देश वोट